अरे अरे खाए फोटो लेती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है अच्छे से होंगे और आपकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे से हैं। तो फ्रेंड्स, समरीन को मैं लाके आई हूँ यहाँ पर घुमाने के लिए, क्योंकि आज बन रहा है हमारा वही ससुराल में आज फिर से दावत है, तो आज बन रहा है हमारा दाल पूरी। ये गाड़ी आ रहा है तो बहुत नया, मैं मार्केट पे खड़ी हुई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ, संजीदा का आज एनिवर्सरी है तो मैं सोच रही हूँ उन लोगों को कोई सरप्राइज़ दूँ, तो हो सकता है कि मैं जा रही हूँ बेकरी, हो सकता है कोई केक ले लूँ उन लोग के लिए। और मुझे ठीक से याद नहीं था कि आज उन लोग का एनिवर्सरी है, तो मुझे अभी पता चला, तो इसीलिए अभी हम लोग चलेंगे। चलो 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 चलो। तो अभी हम लोग आ गए हैं बेकरी। ये केक, एक छोटा सा, ये मेरी नहीं है मेरी देवरानी की है, अभी हमारे पास टाइम नहीं और करने मेरा दो दो बच्चे हैं ना, दो बेटी है, देखिए नहीं एक बड़ी है। तो अभी समरीन यहाँ पर भी सब सामान खींचा खींची कर रही है, तो अभी ये देखिए हम लोग केक में डिसाइड कर लिया है कि हम लोग कौन सा केक ले रहे हैं। तो हम लोग इसी का वेनिला फ्लेवर का छोटा सा केक लिए हैं। नहीं सब कुछ मुँह में लेते हुआ, नहीं ले लें। हम लोग ने यहाँ पर केक ले लिया है, तो चलिए चलते हैं और थोड़ा बहुत कुछ डेकोरेशन करेंगे बिना संजीदा को बताए, है ना शमली? शमली डेकोरेशन करेगी, हाँ चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने केक ले लिया है, अभी बच्चे सारे घर पे हैं, किसी को पता नहीं, मैंने बिना किसी को बताए सिर्फ समरीन को साथ में लेके आई हूँ। और जाने के बाद सोच रही हूँ कि मेरा वहाँ पर जो मेरे पुराने ससुराल में वहाँ पर भी मेरा एक पार्लर था जहाँ पर मैंने पार्लर बनाया था, तो वही रूम में हम लोग थोड़ा बहुत डेकोरेशन करेंगे। और संजीदा तो वहाँ खाना बना रही है, उन लोग को कुछ पता नहीं, तो वहाँ जाके मैं बताती हूँ आपको क्या करूँगी और दिखाऊँगी कि उन लोग क्या बना रहे हैं आज। तो चलिए चलते हैं घर डायरेक्टली। अभी पहुँच गई हूँ घर और देखिए इन लोगों का हल्ला चिल्ला कुछ शुरू, यहाँ बन रहा है दाल पूरी जो बना रही है हसीबा और संजीदा। हसीबा का मुँह थोड़ा दिखा देती हूँ, संजीदा का नहीं दिखा सकती। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लोग अभी खेल रहे हैं, तो बच्चे लोग अभी खेल रहे हैं, तो और मैं जा रही हूँ फर्स्ट रूम में, देखते हैं क्या तैयारी हो सकता है। हाँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे गुब्बारे, नहीं नहीं गुब्बारे गुब्बारे हम लोग ने फुला दिया है, बच्चे लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो ये सब सीक्रेट प्लानिंग हो रहा है बच्चे लोग, है ना बच्चों? क्या होगा? नहीं, संजीदा चाची का एनिवर्सरी। कैसा कैसा फील कर रहे हो जरा बताओ, आज तुम्हारी मम्मी का एनिवर्सरी है, कैसा फील कर रहे हो? अच्छा, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये लोग खा के आ चुके हैं अभी यहाँ पर पेटू राम सो, अभी पापा आ रहे हैं शायद खाने के लिए, तो अभी एनिवर्सरी जिसका होने वाला है उसका पति भी आ गया उसका पति आ गया और यहाँ पत्नी, पत्नी जो है ना वो इंतजार कर रही है, पत्नी चली गई भाग गई फायदा होना चाहिए, अल्लाह मेकअप कर देती है। अब काट दूंगी ना, कोई दिक्कत नहीं, लोग बना के पहले से बोल देते तो मैं स्ट्रेटनिंग फेटनिंग कर देती, थोड़ा साड़ी फड़ी पहन के उसको पका पुकी करती, बकरीद में की करूँगी तो अगले साल, अगले साल कौन देखा है। तो आज है संजीदा का एनिवर्सरी, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैं मेकअप की हूँ। कल है हसीबा का क्या एनिवर्सरी, लेकिन उसका पति क्या बोल रहा था, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी बोल के, अरे और कल सजा सजी होके जाएगी, सजी होके। इमा ये क्या कर रही है, ये कहाँ से घुस के निकल रही है? तो फ्रेंड्स, अभी सब तैयारी, मतलब सबका खाना पीना हो चुका है, तो अभी होगा केक कटिंग, तो संजीदा भी तैयार हो चुकी है और यहाँ पर सब लोग खाना, आधे आदमी खा चुके हैं और आधे आदमी खा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं हम लोग।
तो चलिए फ्रेंड्स अभी चलते हैं केक लेके आने। बोलो पुराने गलियों से कोई मुझे आवाज तो दे। हैप्पी यूनिवर्सिटी संजीदा भाभी। यूनिवर्सिटी का ये रही संजीदा, ये लो केक, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। अब ये कौन खाएगा, काटेंगे। हाँ किसका किसका है आज हैप्पी बर्थडे अवरीश? किसका हैप्पी बर्थडे? मम्मी का, मम्मी का है, पापा का भी है और तुम्हारा भी। कभी ये है रसगुल्ला, थम्सअप और केक। ये हो रहा है रियान की मम्मी का पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी। रियान क्या हो रहा है आज, किसका बर्थडे है? मम्मी का बर्थडे है और पापा का भी। अरे अरे ये जिंदगी भर तक तुम्हारे बच्चे भी देखेंगे, जब तुम लोग हम लोग सब मरमुर गए रहेंगे हमारे बच्चे लोग देखेंगे। देखो बैलून भी जरा लगा दिया, अब जगह नहीं है तो एडजस्टमेंट करके इक्का दुक्का बैलून लगा दिए बच्चे लोग। जो भी हो चलो बैठो वहाँ। इसमें केक ये था कहाँ गया? ठंडा गर्म हो जाएगा, जल्दी करो। हाँ तो क्या हो गया? हो गया एनिवर्सरी। हाँ इधर से कितना अच्छा आ रहा है। फूल मत खाओ, नुस्खा ले लिए। हाँ फूल जो नहीं खाओगे वो वही खाएगा। अरे अरे खाओ। अबू रहेंगे तो और नहीं काटती वो। अरे 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 खा, एक फोटो लेती हूँ। हाँ जरा आरफर और रियान को भी जरा खिला दिया जाए, ए टिंकी को थोड़ा थोड़ा खा लो, ऐसे लो खुद ही लगा ले रही है। लो तुम जरा खाओ, जल्दी दिखाओ, कल घास दूंगी, क्या कर रहे हो चाचू को? चाचू हम लोगों का यूनिवर्सिटी है, कल कल मिलते हैं फिर से, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कल के दिन को, देन आफ्टर आप तुम्हारो कल हम लोग बनाएंगे यूनिवर्सिटी। मेरा यूनिवर्सिटी मेरी तरफ से गिफ्ट तो केक ही होगा। हम लोग घर आ गए और बच्ची को मैं नहला दी, इसलिए कि बालू मिट्टी में बहुत खेली थी, तो इसलिए कभी भी आरफा बाहर जाती है तो मैं इसको नहला के ही सुलाती हूँ। अभी वो फ्रेश होगी और अभी सोने वाली है। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा आज का ब्लॉग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे मुंह में क्रीम वगैरह लगा हुआ है क्योंकि एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रहा था, आप तो देखेंगे ही ये ब्लॉग में, तो देख ही चुके होंगे ये ब्लॉग में। हाँ देख ही चुके होंगे ये ब्लॉग में। तो मिलते हैं कल, और एक देवर और देवरानी का एनिवर्सरी है तो मिलते हैं। और जिन्होंने हमारा दारिंगवाड़ी ब्लॉग नहीं देखा है, आज वो एडिटिंग होगा, अभी एडिटिंग करके डाल रहे हैं ये ब्लॉग से। ये ब्लॉग देखने के बाद हमारा दारिंगवाड़ी वाला ब्लॉग भी देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए। खुदा हाफिज़।